नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत एक दिवसीय ट्यूबरक्लोसिस पंचायत फ्री प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर ने कहा कि अब तक उन्होंने बांदीपुरा जिले में 151 पंचायतों में से 28 पंचायतों को टीबी फ्री किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका विभाग कड़ी मेहनत कर रहा है और 2025 के अंत तक बांदीपुरा को टीबी फ्री करने का। देखिए, गवर्नमेंट ने जो हमें टारगेट दिया था ये 23 से लेकर 24 एंड 25 में 3 साल ये लगातार ये प्रोसेस चलेगी। टीबी फ्री पंचायत इनिशिएटिव जो हमें लॉन्च हुआ है अभी 23 और 24 जो हमारा सेशन है ईयर रहा, इसमें हमने 20 out of 151 28 पंचायत हमारी क्लेम जिनको हम कर पाए। मतलब क्लेम का मतलब ये है कि जो पैरामीटर्स हमें गाइडलाइंस ऊपर से मिली है सेंट्रल टीबी डिवीजन से, उसमें यही 28 पंचायतें फॉल हो रही थी जिनके पैरामीटर्स कंप्लीट थे। तो इसलिए क्लेम हमने की, क्लेम सबमिट हुई और सक्सेसफुली वो डिक्लेयर हो गई टीबी फ्री पंचायत से। जो भी उसमें हमें पैरामीटर्स है इन पंचायत टीबी फ्री पंचायत क्लेम करने के लिए, जितने भी हमें पैरामीटर्स है हम उन पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल 28 हमें हो गई, होपफुली इस साल हमें और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लेम कर सके टीबी फ्री के लिए। 100% लक्ष्य हासिल कर लेगा। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त मोहम्मद अशरफ भट्ट इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन का मकसद लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करना और इसके बारे में जानकारी देना था। इसमें ये ऐसा है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आज यहाँ पे एक फंक्शन रखा हुआ था हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। उन्होंने ऐसी पंचायत को आइडेंटिफाई किया था जो ट्यूबरक्लोसिस फ्री है। तो पूरे जिले की बात करें तो हमारे 151 पंचायत है, उसमें से अभी तक जो हेल्थ डिपार्टमेंट का मानना है, जो इस पर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स काम कर रहे हैं रिलेटिव ट्यूबरक्लोसिस, जो इनके ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, उन्होंने जो भी पैरामीटर्स के तहत देखा गया है अभी तक 28 पंचायत को ट्यूबरक्लोसिस फ्री करार दिया गया है। और बाकी जो पंचायत हैं उनमें अभी कुछ ऐसे भी पैरामीटर्स थे जो अभी फुलफिल नहीं हुए थे, बट वी आर ऑन द जॉब। अभी हमने कैंप के दौरान में इस पर ओरिएंटेशन भी किया है और अवेयरनेस पे हमने जोर दिया है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए, कम्युनिकेबल डिसीजेज को प्रिवेंट किया जाए और जो भी इसके अंदर में पैरामीटर्स हैं उनको कोशिश कर दी जाए हेल्थ डिपार्टमेंट के यहाँ से, और जिस पर हमारे ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं तो पूरी तरह ये शाना बशाना हो कि हर पंचायत में काम करें, हर गाँव में काम करें, सो दैट कि हम लोग इसमें आगे बढ़ें। और होपफुली अभी मैं बात कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर कह रहे थे कि बांदीपुरा जिला जो है वो अभी वो आर एट ए लेवल, इन लोगों ने एक अवार्ड का बहा है कि हम इसको गोल्ड करार दिया जाए। अगर ये गोल्ड करार दिया जाए उसके बाद एक स्टेटस रहता है ट्यूबरक्लोसिस फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो अभी हम उस पर तो नहीं है, बट ये है कि अभी हमारा 28 है और अभी सिर्फ 6 महीने की इनकी जो कारकर्दगी है उस पर देखा गया है। अभी आने वाले 6 महीने में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है आज के कैंप में, ये सब लोग जो है मेहनत लगन से काम करें, ग्राउंड लेवल तक पहुँचें, ग्रास रूट लेवल पर अवेयरनेस दे दें और उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। बाकी पंचायत के भी पैरामीटर्स देखे जाएंगे और उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि एंटायर डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करें। एंड द डे इज़ नॉट फार अवे दैट अवर डिस्ट्रिक्ट विल बी ट्यूबरक्लोसिस फ्री।